ये लोग कितना शादी किया कोई पता है? भीतरे भीतरे कहाँ कहाँ क्या हुआ? अगर कुल के पर्दा खोलेंगे तो बिहार में अगलगी उठ जाएगा। भारत वापसी होगा कि कहीं रेख रूप नहीं रहेगा मोदी जी के। 24 में लालू लालू और नीतीश नीतीश मय हो जाएगा। खोल देंगे पर्दा, भी बहुत पचा के रखे हुए नरेंद्र मोदी के और योगी के और अबरी मार में 24 में नरेंद्र मोदी भागेंगे गुजरात और जोगी जी लेंगे सरंगी और कपड़ा गुदड़ी लेके जाएंगे गोरखपुर। अब रहने का नहीं है, बड़ी सांड से चरवा दिए गरीब लोग के खेत। मछली के काट के नथुनिया ए बालम कमैबा नहीं तो खैबा की सुथनिया ए बालम कमैबा नहीं तो। अब सब पूंजीपति लोग डोल रहा है। प्रधानमंत्री किया तन कह रहे हैं, हम की जोड़ के कह रहे हैं, पाई जोड़ रहे हैं उनको पर किया जोगी तब न कर रहे हैं कि जोगी कौचे भणुआ है रणुआ है। इन्हें जानते हैं कोई माला उला पहनाने का था जूता की व्यवस्था के लिए। वो नहीं जो गया सभा में वो पूर्णिया में अंत उनको जूता न पहनाता क्या सम्राट चौधरी के वनहरन को आँख हो जाएगा लालू जी के नाम पर, लंगड़न के गोड़ हो जाएगा और गोंगन बोलना शुरू कर देगा। आने दीजिए ना इलेक्शन। महिला लोग को जो आरक्षण दिया वो खुद अपना पत्नियों को घर से बुला दिया। कोई सुने हैं कि प्रधानमंत्री आवास में रखे हैं नरेंद्र मोदी कभी? बिहार मोदी मय है। अरे हाँ ठीक है, आप कहे पूरा बिहार मोदी मर गए। मोदी मर गए। मोदी है कहाँ? 100 में 90 हम हैं, 10% तो राज करना चाहता है। अब गद्दी पर से घींच के बैठावेंगे और चूड़ी वाला हाथ जो है धान रोपेगा। वो दिन आ गया, चूड़ी वाला हाथ धान रोपेगा और जो मजदूर है वो राज करेगा। देखिएगा मजदूर का सत्ता आएगा। जब घोषणा हुआ टीवी पर कितना मिठाई बिक गए हलवाई को पूछिए। इस नाम पर की फॉरवर्ड आई मोदी जी का है कहाँ? कुछ है बुनियादो है? बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दी गई है। वहीं बिहार की राजधानी पटना से बवंडर मचा और पूरे देश की राजधानी में ये बवंडर मचने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आपने जाति के नाम पे तो राजनीति किया, अब जातियों को बांट करके आप पाप कर रहे हैं। हमारे साथ में दुलारचंद यादव हैं, बाढ़ क्षेत्र से आते हैं, बाढ़ के चर्चित नेता हैं। आप लोग पाप कर रहे हैं। हेलो, हम जो है ना सो बिहार के भलाई के लिए लड़ रहे हैं और उसका जो है लड़ाई का फल जो है कल जब घोषणा हुआ टीवी पर कितना मिठाई बिक गए हलवाई को पूछिए। इस नाम पर की फॉरवर्ड आई मोदी जी का है कहाँ? कुछ है बुनियादो है? जो है सब लालू जी का है, जहाँ तह सभी हो रहा है इनका। हम जगदेव प्रसाद कह दिए थे कि 100 में 90 हम हैं, 10% तो राज करना चाहता है। अब गद्दी पर से घींच के बैठावेंगे और चूड़ी वाला हाथ जो है धान रोपेगा। वो दिन आ गया, चूड़ी वाला हाथ धान रोपेगा और जो मजदूर है वो राज करेगा। देखिएगा मजदूर का सत्ता आएगा। कहाँ कहाँ मिठाई बेचवा दिया? मतलब पूरा राजधानी में बटा है, पूरा राजधानी पटना में बटा है, देहात में भी बटा है। जो लोग जान रहे हैं राजनीति के हाल वो सब मैंने कह रहे हैं कि मछली के काट के नथुनिया ए बालम कमैबा नहीं तो खैबा की सुथनिया ए बालम कमैबा नहीं तो। अब सब पूंजीपति लोग डोल रहा है, अब उसको भी कमाना पड़ेगा तो पेट भरेगा, नहीं तो इसे भूखले मरेगा। हाँ, कुल संपत्ति ऐसी धर जाएगा उसको कोई नहीं बुनेगा खेत मजदूर लोग। तो क्या लग रहा है आजादी के दिन में करा दिया तो 24 में वापसी हो जाएगा आप लोग का? भारत वापसी होगा कि कहीं रेख रूप नहीं रहेगा मोदी जी के। 24 में लालू लालू और नीतीश नीतीश मय हो जाएगा। सब जो 28 पार्टी है ना सब ताकत इतना दिखाएगा खाता खुलेगा है ये न किसी रविशंकर सोच ले कि जीत जाएंगे पटना से। हाँ, और जो जो बीजेपी में जीते हैं वो सोच ले कि कहाँ जीतेंगे। पूरा बिहार मोदी मय है। अरे हाँ ठीक है, आप कहे पूरा बिहार मोदी मर गए। मोदी मर गए। मोदी है कहाँ? अरे वो जो बेचारा आरक्षण में महिला लोग को जो आरक्षण दिया वो खुद अपना पत्नियों को घर से बुला दिया। कोई सुने हैं कि प्रधानमंत्री आवास में रखे हैं नरेंद्र मोदी कभी? कभी सुने हैं कि गुजरात में अपने घर में रखे हैं? उस सब दिन पत्नी मास्टरनी बेचारी बाप भाई के हैं समय काटा वो कच्छा पहन करके। महिला का विकास हो रहा है ना मोदी जी के राज में? विकास कैसे हो रहा है? वो शादी करके भी रणुआ ने बन गई, अपने भड़ुआ था मूर्तिया रणुआ हो गया। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री के विषय में ये सब नहीं। प्रधानमंत्री किया तन कह रहे हैं, हम की जोड़ के कह रहे हैं, पाई जोड़ रहे हैं उनको पर किया जोगी तब न कर रहे हैं कि जोगी कौचे भड़ुआ है रणुआ है ममता बन उमा भारती क्या है? ये लोग को सदिए नहीं हुआ, जानता पूरे हिंदुस्तान के लोग। आ ये लोग कितना शादी किया कोई पता है? भीतरे भीतरे
कहाँ कहाँ क्या हुआ, अगर कुल के पर्दा खोलेंगे तो बिहार में अगलगी उठ जाएगा, हिंदुस्तान में लोग कहेगा कि क्या बात हुआ है। आप पर्दा खोल दीजिएगा सब। हाँ खोल देंगे पर्दा, अभी बहुत पचा के रखे हुए नरेंद्र मोदी के और जोगी के, और अबरी मार में 24 में नरेंद्र मोदी भागेंगे गुजरात, और जोगी जी लेंगे सरंगी और कपड़ा गुदड़ी लेके जाएंगे गोरखपुर, अब रहने का नहीं है, बड़ी साँड़ से चरवा दिए गरीब लोग के खेत। यही सबसे नीति है, बुलडोजर बाबा बनना, नीति अनीति हो, जो हमको गलती करेगा बुलडोजर ढबा देंगे, उसी को हस्ती है, किसी को झूठ केस में फंसा देगा तो बड़ी भारी। और शाहनवाज हुसैन लड़की वाला में पड़ा तो क्लीन चिट मिली हो गया, दिल्ली में देखे होंगे आप ही लोग ने पत्रिका वाला, अब मीडिया वाले लोग निकालते हैं तो फिर उसको कैसे क्लीन चिट मिला, राजबल्लम के कहने मिला नवादा वाला के क्लीन चिट हो गया, 20 वर्ष सजा भोग रहे हैं। देखो बिहार में जंगल राज आ गया है मोदी जी के। हाँ 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 जंगल राजू नहीं कहेंगे, जो रहता है उस सबको कहता है, वो क्या कहेंगे, वो किया जंगल राज, अब जंगल राज जाएगा, भाग रहा है, अब आज़ादी दुनिया मिल रहा है, जो आज़ादी दिए थे लालू जी गरीब गुरबा। कोई आज तक कोई नेता कहा कि घूंघा चुनने वालों सतुआ चुनने वालों पढ़ना लिखना सीखो, एक लालू कहें, और लालू जी कहें विकास पुत्र है नीतीश, विकास भी करवाए, और लालू जी से ही विकास यहाँ होगा। तो लालू जी तो खाली कह रहे हैं नीति, और मोदी जी कर रहे हैं सब काम। अरे मोदी जी कलका के ढा रहे हैं, एक आपको 55 करोड़ था, पूरे 55 लाख करोड़ मनमोहन के सरकार में, अभी 1 करोड़ 1 अरब 55 करोड़ कर्जा है हिंदुस्तान पर, जो लाने वाले हैं आपको इन मोदी जी, इसका विकास कर रहे हैं विकास। अरे विकास नहीं कर रहे, कर्जा इतना ला देंगे कि फिर वो नमक जो इंडिया कंपनी आया था खरीदाएगा, बिहार बिक हिंदुस्तान बिक जाएगा और देश भी हो जाएगा स्वतंत्र पर राजतंत्र, और उस देश में फिर से राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बनना पड़ेगा देशवासी को, वैसा दिन ला रहे हैं। बिहार में यादव टूटते जा रहा है, नित्यानंद राय के साथ याद रहा है बीजेपी में। अरे नित्यानंद राय बेचारे तो है ही है यादव, उसको क्या कहेंगे, जब तो यादव उनको है तो कम से कम मीडिया में आ जाता है कि नित्यानंद राय भी तो यादव है, लेकिन मास उनको साथ ने, मास जो है यादव जो 14% 15% है, अनहरन को आँख हो जाएगा लालू जी के नाम पर, लंगड़न के गोड़ हो जाएगा, अब गोंगन बोलना शुरू कर देगा, आने दीजिए ना इलेक्शन। हाँ वो खाली नित्यानंद राय से काम ले रहा है, दुलारचंद यादव ऐसे आदमी कभी काम किसी से नहीं लिया। आएगा 40 में 40 मोदी जी। हाँ 400 में 400 गठबंधन 28 पार्टी का, मोदी जी जीतेंगे 40। अरे मोदी जी जीत जाएंगे तब बिहार छोड़ देंगे। कौन छोड़ा? आप छोड़ देंगे। हाँ रहेंगे, हाँ? रहेंगे यूपी में, मोदी जी का भट्टा बैठने वाला है यूपी में, योगी बाबा हैं। अब योगी बाबा गुदड़ी है सरंगी लेके भाग रहे हैं, गुदड़ी या सरंगी लेके गोरखपुर में अड्डा देंगे, अब फिर से वही चेलियन को पढ़ाएंगे जो चेलियन से गाय खिलवाते थे, सारा कुकर्म करते थे, परिवारवाद उनको पास में है, उनको पास में है जा कर के दुश्मनी से घर ढहवाते हैं, बुलडोजर बाबा कहलाते हैं, बुलडोजर बाबा ट्रैक्टर बाबा है, ये ठकाने नहीं है, बुलडोजरे बाबा बन गए। हाँ क्या आपके भी घर पे बुलडोजर चलने का डर है? हाँ हाँ बुलडोजर चलाने वाला कितना मर गया, अरे हमको 74वां बुलडोजर बाबा के, अब बुलडोजर बाबा के पोता के, अब बुलडोजर बाबा के दादा के कुल को हम देख के बैठ गए, खाक बैठ गए। उस दिन थे केंद्रीय मंत्री कुल, कहते थे दुलारचंद यादव 8 दिन में पकड़ लेंगे, दुलारचंद 8 दिन में मुठभेड़ करा देंगे, कोई किसी कुछ बिगाड़ा नहीं, हम सत पर हैं और ईमानदारी पर हैं और कानून को इज्जत दी है, इसलिए हम शान से हैं, शान से रहेंगे। दुलारचंद जी, हाँ भाजपा जो है यानी मोदी सरकार दलित पिछड़ा सबके लिए काम कर रही है, पिछड़ा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है सम्राट चौधरी को। हाँ तो नहीं बनाएगा तो मतलब कैसे लड़ाई होगा, सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी को उनका बाप के समय से हम जानते हैं, शकुनी चौधरी को जानते हैं, और वो शकुनी चौधरी के बेटा जो सम्राट चौधरी बना है और कई गो कोयरी उनको साथ है, इन्हें जानते हैं, कोयरी माला उला पहनाने का था जूता की व्यवस्था के लिए, वो नहीं जो गया सभा में वो पूर्णिया में अंत उनको जूता पहनाता सम्राट चौधरी के अध्यक्ष के जो भाजपा का अध्यक्ष है जूता की माला काहे पहनाता? हाँ काहे नहीं पहनाता कि वो कह रहा है कि आपको नरेंद्र लालू जी के काट में ना तो सम्राट चौधरी है ना उपेंद्र कुशवाहा है, कोयरी के नेता डायरेक्ट में लालू जी हैं, बड़ी नौवा धोबी चमार के नेता लालू जी हैं, सब कहता है कि लालू जी मुंह दिया, ये लोग कुछ दिया है, जवान दिया है, लड़ने के लिए दिया है, ये एमवाई समीकरण कुल लालू जी के साथ है, मुसलमान छिटक रहा है वैसे साहब के साथ जा रहा है। हाँ हाँ वो वैसी सरकार सब कुछ शक्ति लगाया, तैयो देखो कुछ चारा चला।
आप लोग बिटा विधायक को खरीद लिया चार गो तब ना 80 को विधायक मने आया। हाँ ये है कि मल्लाह लोग बेचारा बड़ा शौकीन शौक से गया था मुकेश साहनी के पार्टी कि हम मंत्री बनेंगे, मंत्री बना भी दिए। अब बना के कैसा बेइज्जती किए जो तो मुकेश साहनी जानता है। अब जाएगा मल्लाह फिर उसको साथ, आप लोग पीठ में खंजर हो के लालू जी दिए थे उसको जलकर माफी कर दिए थे, पासी के ताड़ी वाला माफी कर दिए थे। आज जो कुल्ली कुल खट रहा रेलवे में उसको सरकारी नौकरी हो गया था। ये कौन चीज दिया? ये 9 बरिस में 65,000 नौकरी दिया जो 2 करोड़ साल में देता था। कहाँ गया, कहाँ गया 15 लाख गरीब के झोली में? नरेंद्र मोदी जी जवाब अपन पत्नी के दे, आ ये सब जो घोषणा किए थे जो देने टाटा बिरला डालमिया सिहानिया बंगूर जो था पहले, अब तो यही होल है टाटा बिरला नरेंद्र मोदी थी नीरू मोदी आपको है ये गडकरी अटकरी केशव साहा यार कुल अरब पति है। अब 25-25 को कारखाना चलता है, ये सब गरीब के मजदूर के मारले है। आज तक बिहार में गरीबी अगर चलिए गया तो फिर पंजाब में खटने का क्या जरूरत है? मोदी जी जवाब इसको दे, 15 लाख खाइए गया तो कहल जाता यूपी और गुजरात पर हरियाणा करने के लिए, लेकिन इसको करवा दिया मरवा दिया कि वहाँ से ऐसा हो गया कि करोना। अच्छा ये तो जाने कि करोना में थाली पिटवाया नरेंद्र मोदी जी, थाली पिटवाया नरेंद्र मोदी जी, थाली पिटवा के नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी में कहा कि कुल काला धन वापस होगा, लेकिन काला धन की व्हाइट मनी भी था जो हमारा विदेश में चल गया। ये नरेंद्र मोदी का कानून, थ्री बिल नरेंद्र मोदी का कानून जो वापस लेना पड़ा उनको। और आपको ये अबरी कहें कि सब पत्रकार अंगा खोल करके रिपोर्ट लो नहीं तो पत्रकार को उड़वा देंगे। अबरी नरेंद्र मोदी का आवेगा थाली तो हम लोग को पिटवाइए लिया थरिया उरिया, आज आप लोग को पत्रकार लोग को अधलंग करके ताली बजवाएगा। कैसे ही बोल रहे हैं, कहाँ बोले मोदी जी? बोल रहे हैं एक जगह बोले हैं, कह रहे हैं कि अब ये भर चुनाव होगा, अगला बार अगर नीति नरेंद्र मोदी का सरकार आ जाएगा तो चुनाव बंद हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा। ये तो आप अपने मन से बोल रहे हैं। पूरा पूरा खेतीहर में जो है थ्री बिल लागू होता तो उनका जो भवन बन रहा है वो काहल बन रहा है जैसे अंग्रेज के था कचहरी वैसी सैफ वाला जीतेगा वो कुछ कहता उसको फैक्स वाला। अब फैक्स वाला जीत करके उसमें जो अध्यक्ष बनेगा ना वही चलाएगा जिसमें सबसे ज्यादा बिजनेस के करता है तेली बनिया। चलिए 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 तो हमारे साथ में दुलारचंद यादव थे, बाढ़ क्षेत्र से आते हैं, पटना जिला से सटे हैं। इनकी बातों से कितनी सहमत है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जोहार इनके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।